व्हाट्सएप दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल एनडी क्रिएटर में। मैं हूं अनिल और आज इलस्ट्रेटर के टूल सीरीज के 14th एपिसोड में आज हम सीखने वाले हैं कॉम्प्लेक्स शेप्स इजी वे में कैसे बनाते हैं शेप बिल्डर टूल से। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि जो भी मैं वीडियो बना रहा हूँ वो आप सब पूरा देखें और आपके दोस्तों को भी शेयर करें ताकि वो भी कुछ क्वेश्चन कर सके, क्योंकि आप सभी को पता ही है जितने क्वेश्चन मुझे आते हैं मैं उन्हीं क्वेश्चंस पे वीडियोस बनाता हूँ और उन्हीं वीडियो से आपका नॉलेज भी उतना ही बढ़ता है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं। शेप बिल्डर शुरू करने से पहले मैं एक शेप क्रिएट कर लेता हूँ। फर्स्ट शेपर टूल ले लेता हूँ, मैं एक डायमंड शेप क्रिएट कर लेता हूँ और फिर उसे सिलेक्शन टूल से ऐसे थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। इसका थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि दिखने में आपको अच्छा लगे। तो ये मैंने कलर चेंज कर लिया और फिर यहाँ पर मैं इसे से डुप्लीकेट कर लेता हूँ अल्ट प्रेस करके। तो यहाँ पर मैंने डुप्लीकेट कर लिया। अभी इन दोनों को सिलेक्ट करके मैं यहाँ पर सेंटर में ले लेता हूँ। देखिए, फर्स्ट मैं आपको बताऊँगा शेप बिल्डर टूल के क्या कमांड है और वो कैसे काम करता है। तो ये कुछ इसके मोड्स हैं, जैसे ये मर्ज करता है, स्ट्राइक करता है और इरेज करता है और क्रिएट करता है। तो इससे हम ये सारी चीज़ कर सकते हैं। तो फर्स्ट मैं शेप बिल्डर टूल का और की है शिफ्ट एम प्रेस करते हैं शेप बिल्डर टूल एक्टिव हो जाता है। अभी तो फिलहाल मैंने यहाँ पे कुछ सिलेक्ट नहीं है इसलिए ये कर्सर का साइन जो है ऐसा दिखा रहा है। कंट्रोल प्रेस करते हैं तो देखिए यहाँ पे कर्सर एक्टिव हो गया और अभी इसे मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो अभी ये सिलेक्ट हो चुका है। जैसे शेप बिल्डर टूल ऑन होते हैं कर्सर के एग्जैक्टली नीचे प्लस का साइन आ जाता है। तो जैसे कि मर्ज जो मैंने आपको फर्स्ट मोड बताया है, तो ये जो मोड है कैसे काम करता है, जैसे कि यहाँ पे मैं लेफ्ट क्लिक करके ड्रैग करता हूँ तो देखिए ये ऑब्जेक्ट जो है मर्ज हो चुका है। तो मैं इसे सिलेक्शन टूल लेके आपको बता दूँ, देखिए यहाँ पे देखिए ये ऑब्जेक्ट मर्ज हो चुका है। इसे मैं अभी अंडू कर लेता हूँ और अभी मैं आपको एब्स्ट्रैक्ट मोड बता दूँ। तो ये एब्स्ट्रैक्ट मोड कैसे काम करता है, जैसे कि शेप बिल्डर टूल सिलेक्ट कर लेता हूँ, कंट्रोल प्रेस करके इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ और अभी यहाँ पे जो एब्स्ट्रैक्ट है, जैसे कि मुझे अभी एब्स्ट्रैक्ट मोड में ये दो ऑब्जेक्ट को तीन ऑब्जेक्ट में डिवाइड करना है। जैसे कि ये लेफ्ट वाला शेप है, सेंटर शेप है और राइट वाला शेप है। तो मैं अभी यहाँ पे सेंटर पे क्लिक कर लेता हूँ तो अभी ये तीन पार्ट में डिवाइड हो चुका है। सिलेक्शन टूल से आपको सिलेक्ट करके बता देता हूँ। तो सिलेक्शन टूल सिलेक्ट कर लिया मैंने और यहाँ पे देख लीजिए कि तीनों पार्ट डिवाइड हो चुका है। मैं इसे अंडू कर लेता हूँ। अभी इरेज मोड कैसे काम करता है, जैसे कि अभी मुझे ये सारे शेप में से एक एक शेप को मैं डिलीट करूँगा। फर्स्ट शिफ्ट एम प्रेस करके मैंने शेप बिल्डर टूल सिलेक्ट कर लिया। तो अभी मैं यहाँ पे एरो लेके आ रहा हूँ। तो ये वैसे तो डिवाइड होने का एस्ट्रैक करके बताएगा पर अगर इरेज करना होगा आपको कुछ तो इसे अल्ट प्रेस कीजिए। जैसे अल्ट प्रेस करते हो तो ये जो कर्सर का साइन है उसके एग्जैक्टली नीचे माइनस का साइन आ रहा है। तो वैसे आप यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो देखिए ये यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट का जो शेप था यहाँ पे डिलीट हो गया और इस ऑब्जेक्ट का जो शेप था यहाँ पे वो भी डिलीट हो गया। तो ये दोनों ओवरलैप एक साथ डिलीट हो चुके हैं। उसी हिसाब से आप इस पर क्लिक करते हो तो ये भी डिलीट हो जाएगा और अल्ट प्रेस करके इस पर प्रेस करते हो तो ये भी डिलीट हो जाएगा। इस तरह से ये तीनों मूव वो करते हैं। अब हम कुछ क्रिएट करेंगे, एक बेटर सा कुछ लोगो क्रिएट करेंगे। चलिए फर्स्ट मैं फिर से शेप बिल्डर टू से एक डायमंड शेप क्रिएट कर लेता हूँ। तो मैंने ये डायमंड शेप क्रिएट कर लिया, इसे थोड़ा सा बड़ा कर लिया और फिर देखिए यहाँ पे फर्स्ट मैं इसे ऐसे कुछ अलाइन कर लेता हूँ, अल्ट और शिफ्ट करके इसे ऐसे अलाइन कर लिया
फिर अल्टर शिफ्ट प्रेस करके इसे रेसिस्टेंस के लिए सिलेक्ट ऑल करते हैं और इसे सेंटर में कर लीजिए, ग्रुप करते हैं और इसे सेंटर एंड कर लीजिए। तो ये देखिए अब ऐसे कुछ मैंने शेप ओवरलैप करके रखा हुआ, सेलेक्ट कर लेते हैं इसका फील जो है वो रन कर लेता हूँ, इसमें स्ट्रोक हो रहा है वो इंक्रीज कर लेता हूँ, इसे सिलेक्ट करके अनग्रुप कर लेता हूँ। वैसे ये ग्रुप पे भी काम करता है पर मुझे अनग्रुप करके दिखाना था। तो अब मैं इसे कुछ शेप क्रिएट करता हूँ। फर्स्ट वैसे तो अभी यहाँ पे कोई फील है नहीं तो मैं शेप बिल्डर टूल ले लेता हूँ। फर्स्ट अब यहाँ पे मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, कोई भी कलर ले सकते हैं, जरूरी नहीं क्या कलर ले रहे हैं। ऐसे कुछ मैंने कलर ले लिया तो यहाँ पे मैं इसे मर्ज करता हूँ। फर्स्ट एक तो मर्ज कर लिया मैंने, अभी मैं यहाँ पे और एक कलर ले लेता हूँ। देखिए मैं कितनी बार भी कलर चेंज कर रहा हूँ ये ऑब्जेक्ट में फील नहीं हो रहा। देखिए मैं यहाँ पे वापस ले लिया, वापस में मैं और थोड़ा कलर चेंज करता हूँ। तो इस तरह से आप कलर चेंज करके देख सकते हो और यहाँ पे मैंने फिर से ऐड कर लिया। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे कलर ऐड करूँ, जहाँ पे आपको कलर ऐड करना आप ऐड कर सकते हो, जरूरी नहीं कि ये यहाँ पे ही ऐड होना चाहिए। देखिए ऐसे कुछ मैंने ऐड कर लिया। इस तरीके की मैंने कुछ कलर ऐड कर लिए। अभी मुझे माइनस करना है इस शेप में से, इन शेप को मैं अल्ट प्रेस करता हूँ और इन्हें माइनस कर लेता हूँ। देखिए अभी एक लोगो सा क्रिएट हो चुका है। इस तरीके से आप कोई शेप या लोगो क्रिएट कर सकते हो। शेप बिल्डर बहुत ही हेल्पफुल है अमेजिंग अमेजिंग लोगो क्रिएट करने में और बहुत सारे शेप्स को मर्ज या एक्स्ट्रैक्ट इरेज करने में। इस तरीके से आप एक लोगो क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं इसे छोटा करके साइड में रख लेता हूँ, इसका आउटलाइन जो है मैं बंद कर लेता हूँ। ये हमने क्रिएट किया है। अभी मैं एक कॉम्प्लेक्स सा शेप क्रिएट कर दूँ। फर्स्ट मैं ले लेता हूँ यहाँ पे ये ऐसे कुछ सिलेक्ट किया, रोटेट टू 30 पे कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे डुप्लीकेट करके। तो देखिए अभी ये जो मैंने सिलेक्शन टूल से सिलेक्ट कर लेना इसे और इसे बड़ा कर लेते हैं, ग्रुप करके सेंटर अलाइन कर लेते हैं, अनग्रुप कर लेते हैं। तो देखिए फर्स्ट थिंग यहाँ पे ये जो मैंने कॉम्प्लेक्स शेप क्रिएट किया हो इसे हम कलर फिल करेंगे, शेप बिल्डर टूल से डिवाइड करके कलर फिल करेंगे। तो अभी मैं यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट इसको सिलेक्ट करूँ तो ये एक बड़ा ऑब्जेक्ट है जो इसमें मर जाए, तो मुझे इसमें जो कलर फिल करना है तो वो मैं इजीली फिल कर सकता हूँ। तो मैं इन सबको सिलेक्ट कर लेता हूँ और शेप बिल्डर टूल ले लेता हूँ। जैसे कि अभी यहाँ पे देखिए मैं कर्सर लेके जाता हूँ तो ये डॉट पिक्सल्स डॉट आ रहे हैं। फर्स्ट मुझे इसमें से कुछ पार्ट्स हमें निकाल देने हैं, वो मैं डिलीट कर लेता हूँ। अल्ट प्रेस करते हैं यहाँ पे तो हम कुछ पार्ट्स डिलीट करेंगे। तो ये पार्ट को मैंने डिलीट कर लिया और अब मुझे कलर फिल करना है। तो मैं यहाँ पे फिल में कुछ कलर फिल ऐड कर लेता हूँ, ऐसे कुछ मैंने कलर फिल कर लिए और मैं यहाँ पे फिल कर लेता हूँ। देखिए यहाँ पे कलर फिल हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे थोड़ा सा येलोइश फील हो जाए, मैं चाहता हूँ कि ये जो ऑब्जेक्ट है एक और एक हो जाए। तो ये कुछ मैं ऐसे कुछ शेप क्रिएट करना चाहता हूँ। देखिए इजीली आप ऐसे कुछ मर्ज करके कलर फिल कर सकते हैं। मैं किस तरीके से फिल कर रहा हूँ तो इसको मैंने फिल कर लिया। अभी मैं इसको कुछ और कलर कर देना चाहता हूँ।
मुझे थोड़ा सा मैंने इसमें कलर और एडजस्ट कर लिया। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा कलर फिल करूँगा। देखिए ये भी कलर फिल हो गई। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे ये जो ऑब्जेक्ट है वो इक्वल हो जाए। फर्स्ट मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, थोड़ा रेडिश ले लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने ऐसे कुछ कलर फिल कर लिया। देखिए मर्ज करके ये कलर फिल करना, क्योंकि मैंने यहाँ कलर सिलेक्ट कर लिया, इसीलिए ये कलर फिल कर पा रहा है। अब मैं और भी ब्राइटर कलर ले लूँ, थोड़ा सा डार्कर कलर कर दूँ उसको। देखिए इसे 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 इजीली शेप को ये क्रिएट कर लिया। इस तरीके से आप कॉम्प्लेक्स शेप्स को कलर फिल कर सकते हैं, कॉम्प्लेक्स शेप्स को बना सकते हैं। तो मैंने अभी ये सारे जो शेप्स है वो अलग अलग है। देखिए इस तरीके से आप कॉम्प्लेक्स शेप्स को क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं इसे अनलोड कर लेता हूँ। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए आपके फ्रेंड्स को, ताकि वो भी इस तरह का वीडियो सीख सके। और अगर इस वीडियो में अगर आपको कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। अगर आपको और कोई भी टॉपिक डिस्कस करना हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। आपके हर एक सवाल का जवाब जरूर दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद। जय हिंद।